एक्टिव BS6 है और इसमें जो प्रॉब्लम आ रखी है वो इंजन चेक लाइट जो है वो नहीं आ रही मीटर में। ये देखो जैसे हमने स्विच ऑन किया, हम स्विच ऑन करते हैं तो इंजन चेक लाइट नहीं आ रही, और जब तक हमारी चेक लाइट नहीं आएगी तो हमारी गाड़ी में हॉर्न है कम, कई चीज़ें जो है वर्क नहीं कर रही, जैसे सेल्फ है कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, ना शोरूम चल रहा, तो इसको कैसे चेक करें। तो सबसे पहले हम इस गाड़ी का, मैंने आगे से खुलवा रखी है, ये देखो आगे से खुलवाई हुई है एंडर का लॉक चेक करने के लिए। बाकी ये अपना बैटरी का सिस्टम है, यहाँ पर पूरा फ्यूज बॉक्स है यहाँ पर, ये बाकी जो बनाया अपना साइड में ECU लगा हुआ है। तो गाड़ी में ऐसा लग रहा है जैसे कि ECU ख़राब है, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी ECU ख़राब है या वायरिंग का फॉल्ट है। मेरे हिसाब से 99% जो है अपना इसमें फॉल्ट मिलेगा वायरिंग का, वायरिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको कैसे ओवरकम करें, जो ये आपके पास कभी आती है या कोई कस्टमर है उसकी बाइक में सॉरी स्कूटी में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे चेक करोगे, तो आज पूरी बताता हूँ आप लोगों को आप कहाँ से कैसे चेक करोगे। ठीक है गाइज, सो गाइज मैं बता दूँ आपको, इसमें जो हमने अपने फ्यूज, सबसे पहले हमने ये जो फ्लोर में खोल कर फ्यूज चेक करना है बैटरी का, बैटरी के फ्यूज इसमें बाइक अदा लिखे होते हैं कौन सा वो है, और रिले कौन सी है, ये जो रिले है गाइज, ये जो रिले है ये मेन रिले है ECU की, और ये जो रिले है ये है चार्जिंग वाले रिले, मेन चार्जिंग रिले, ये रिले चार्जिंग वाली है, बैटरी चार्जिंग रिले। ठीक है, तो अगर इंजन चेक लाइट नहीं आती है, अगर इंजन चेक लाइट नहीं आती है तो आपने मेन ECU रिले का वायर और बैटरी फ्यूल चेक करनी है। ठीक है, तो इसमें बाइक आधार लिखे भी होते हैं, नीचे दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये लिखे होते हैं, इस पर बाइक आधार दो जगह अंदर लिखे होते हैं कौन सा फ्यूज है कौन सा है, FI का है, या जैसे कि इसमें लिखा हुआ थर्ड वाला जो फ्यूज है वो रिले मैन उसका, तो उसको चेक करेंगे, और इसी के अंदर ये लगा फ्यूज निकालने के लिए होता है, इसको चेक करेंगे। थर्ड वाला फ्यूज जो है ये 7.5 एम्पीयर का है, इसको निकाल के देखते हैं, ये तो ख़राब नहीं है, ये परफेक्ट है, फिर भी मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो आप। बजर मोड पे लेंगे तो ऐसे लगा के चेक करेंगे, तो ये वो परफेक्ट है। ठीक है, तो इसको लगा देते हैं वापसी, इस तरह से आप सारे फ्यूज चेक कर लो। एक FI का भी होता है इसमें, एक ओरोना का होता है, एक मीटर का होता है। ठीक है, तो इस पर लिखा भी होता है, मैं बताया था। ठीक है गाइस, वैसे मैंने फ्यूज सारे चेक कर लिए हैं लेकिन इस फ्यूज में फॉल्ट नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने जो ECU रिले है उसको डायरेक्ट रखकर चेक कर लेना, ये जो इस रिले है इसको यहाँ जो तार हैं इसके रेड पे वाइट और ब्लैक पे येलो, इन दोनों को डायरेक्ट करके चेक कर लेना है। ठीक है गाइज, तो ये वायर के टुकड़े से लेके यहाँ से चेक करते हैं, एक तार यहाँ डाल दिया और यहाँ से डाल दिया, तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है रेड वाइट और ब्लैक येलो को, जो मैन मोटे वायर है उनको, और ऊपर से दिखाते हैं, ऊपर आएगी नहीं आई, ये जैसे ये लाइट नहीं आई, तो गाइज ये अब भी नहीं आई। उसके बाद क्या करना चाहिए आपके पास, अगर क्योंकि हैंडल लॉक है, हैंडल लॉक डाल के देखना आपने, हैंडल लॉक क्या होता है, यहाँ पे हैंडल लॉक को बना, क्योंकि तार अंदर लगे हुए हैं, या तो इसको डार्ट कर देख लो, इसके अंदर चार वायर हैं, वाइट रेड ब्लैक रेड, ठीक है, तो मोटे वायर हैं, इनको आपस में कनेक्ट करना है, और दूसरा जो पतले वायर है इनको आपस में इधर के जो हैं कनेक्ट करना है, और उनको आपस में यहाँ पिन फंसा दो, एक यहाँ पिन फंसा दो, जंपर जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बस लॉक है तो लॉक डाल कर चेक करना है, कई बार लॉक का अगर पॉइंट काम छोड़ गया, क्योंकि यहाँ से ECU को करंट मिलता है बैटरी का प्लस, ठीक है, तो ECU का करंट नहीं मिलेगा तो भी दिक्कत आएगी हमारे को, तो ये मेरे पास लॉक है तो मैं डाल के चेक करता हूँ, दिखा ऊपर, तो गाइज अभी जो है हमारा नहीं आई, मतलब लॉक भी हमारा ठीक है। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लॉक भी परफेक्ट है, तो लॉक के तार वापसी लगाता हूँ, ये तार कनेक्ट इसका निकाल के वापसी लगाते हैं, सो गाइज अब हमने क्या करना है, मेन जो ECU रिले है दिखा, ये तार हटा देते हैं, ये मेन जो ECU के रिले तार हैं, यहाँ पर वोल्ट चेक करने हैं क्या रिले ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है,
तो मल्टीमीटर ले करना है, उस पर वोल्ट चेक करने हैं 12 वोल्ट रेड वाइट वायर में। तो इसमें वोल्ट चेक करते हैं, स्विच से आता है तार, तो मैंने इसमें वोल्ट पूरे आ रहे हैं। देखो मैंने तार उल्टे लगा रखे हैं लेकिन तार इसमें वोल्ट पूरे आ रहे हैं। अब जैसे हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो हमारा जो ये जैसे स्विच ऑन करते हैं तो रिले ऑन हो जाएगी, तो इस तार में वोल्ट आने चाहिए। तो इसमें एक क्रॉप मैंने इसमें लगा दिया, एक माइनस में लगा दिया, ठीक है। अब स्विच ऑन करता हूँ मैं, मतलब रिले ऑन नहीं हो रही। जब तक रिले ऑन नहीं होगी तब तक हमारे जो ऊपर ईसीयू लाइट है मतलब ईसीयू वर्क करेंगे ना। तो ईसीयू की मेन रिले के तार मैंने चेक कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये तार ग्रीन पर वाइट, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, जो कि ये तार गया है ईसीयू पर। ये जो ईसीयू के दो तार हैं ये देखो, एक ब्लैक वाला है, एक वाला एक ये है ग्रीन पे वाइट। तो ग्रीन की वाइट को अगर हम चेक करते हैं गाइस, अगर इसमें देख बात करें, ये वायर वायर है ईसीयू के, यहाँ से मतलब यहाँ से यार छोड़ेगा, ठीक है। तो ये तार हो गया अपना 1 2 3 4 5 इस लाइन में 1 2 3 4 5। इसमें चेक करते हैं कंटिन्यूटी तार की। मैंने अपना एक वो वहाँ पर ईसीयू रिले पे जो ग्रीन वाइट है वहाँ लगा दिया तार, एक रोप एक ये लगा रहा हूँ। इधर देखो मतलब इसको सॉरी बजर मोड पकड़ लेते हैं, तो ये तवारे ओके हैं, ये तार परफेक्ट है, ये चेक करना है आपने, ठीक है। इसके बाद दूसरे लेगा इधर नीचे लेगा, उसके बाद गाइस आपने चेक करना है दूसरा तार, पतरे वाला तार जो ईसीयू रिले है ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला, ये जो ब्लैक वायर है इस पर लगाते हैं हम, ये यहाँ पर, ये मैं बात कर रहा हूँ ईसी की जो छोटी पिन होती है, सॉरी रिले की जो छोटी पिन होती है, ये बड़ी पिन है, ये छोटी पिन है। जब तक इनको प्लस माइनस नहीं मिलेगा तो ये रिले ऑन नहीं होगी। तो हम इसके दोनों पॉइंट चेक कर रहे हैं अभी, ये इस पर प्लस है, इस पर घूम के प्लस जाता है, रेड वाइट पे है उससे कनेक्ट होकर जाएगा दूसरे तार पे, प्लस यहाँ से घूम के इस पर आएगा, लेकिन प्लस माइनस को सोचिए। तो एक तार मैंने ग्रीन और वाइट चेक कर लिया, दूसरा रह गया ब्लैक, जो दूसरा तार जाता है वो जाता है हैंडल के लॉक पर। तो मैंने यहाँ पर एक क्रॉप लगा दिया है ये इस तार पर, ये रही ब्लैक वाली। अब ये हैंडल के लॉक पर जाकर चेक करते हैं, देखा भाई। सो गाइस मैंने यहाँ पर एक ब्लैक वायर, देखो ये रहा, ये सेकंड वाला ब्लैक वायर है 1 2। तो यहाँ पर चेक करेंगे ब्लैक, ये इस यू का तार लगाते हैं, और वहाँ ये देखो थोड़ा दूर करो, मतलब यहाँ पर ये देखो, मतलब ये तार भी ओके है। अभी ब्लैक वायर में वोल्ट कहाँ से आते हैं, देखो मुझे 7 वाला तार है। अब ये चेक करेंगे कौन सा, क्योंकि ब्लैक वायर में वोल्ट भेजता स्विच, इग्निशन स्विच, और कहाँ से घूम के आएगा ब्लैक, यो रेड ब्लैक से, ये रेड ब्लैक कहाँ गया हुआ है, ये तार, क्योंकि इस तार से ऐसे घूम के इस रिले पर जाएगा बैटरी पॉजिटिव, इस तार से जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे दोनों तार, लेकिन इसमें वोल्ट आने चाहिए। ये वोल्ट इसका ये तार कहाँ से आया, सीधा आया है ईसीयू से। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे अब, ये ईसीयू पे जाता है, ईसीयू बैटरी का प्लस छोड़ता है गाइस, ईसीयू पे ये आया हुआ है ब्लैक रेड जो हैंडल के लॉक पे गया हुआ है, इससे बैटरी का प्लस जाएगा और ब्लैक उसमें घूम के आएगा, ठीक है। तो यो है सेकेंड लाइन में बीच वाली लाइन सेकेंड वायर वायर, तो यहाँ से लगाते हैं और वहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसकी, ठीक है, क्योंकि बैटरी प्लस यहाँ से ईसीयू नहीं छोड़ेगा तब तक। ऊपर देखा तो पहले वाला तार है ये पतरे वाला ब्लैक रेड, अच्छा है। देखो गाइस मतलब इसमें क्या हो रखा है, जो ईसीयू से हैंडल के लॉक पे ब्लैक रेड तार है वो टूटा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ से टूटा होगा, ये बॉडी लाइन वायरिंग के कहीं से है, तो मैं फटाफट, कई बार क्या होता है देखा, कई बार क्या होता है यहाँ से तार टूटा हुआ होता है फ्लोर के, यहाँ से वायरिंग के कई बार चूहे काट देते, कुछ भी हो सकता है। तो आप समझ गए क्या होगा, ईसीयू से सीधा हैंडल के लॉक पे, वहाँ से घूम के ईसीयू रिले ऑन नहीं हो रही, तो मैंने ईसीयू की रिले ऑन करनी है, ठीक है। तो मैं फटाफट ये फ्लोर खुलवाता हूँ और देखता हूँ ये तार टूटा हुआ कि नहीं टूटा हुआ है, ठीक है। सो गाइस जैसे मैंने ये फ्लोर खोला, ओपन किया इसको, तो यहाँ पर रेड ब्लैक वायर जो मैंने हैंडल के लॉक से आया था वो टूटा हुआ है। तो इसको फटाफट जोड़ते हैं, और एक चीज़ मैं बता दूँ, मैंने वीडियो के बीच में अगर इस वायर को, ये रेड ब्लैक है, कभी ब्लैक रेड बोल दिया तो उसके मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो ये रेड ब्लैक वायर है जो ईसीयू पे
से हैंडल के लोक लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसी की रिले को बैटरी का प्लस तभी मिलेगा जब यहाँ से वोल्ट जाएंगे और घूम के इसी रिले पर ब्लैक वायर आता है, ठीक है। तो फटाफट इस तार को जोड़ाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ ये माल फंक्शन लाइट आती कि नहीं आती। फाइनली गाइस जो अपनी एक्टिवा थी BS6 जो माल फंक्शन लाइट वाली थी दिखाता हूँ, आ गई है परफेक्ट, मस्त हो गई है। एक वायर जो बताया था मैंने पूरा टाइम यूज़ किया, अब देखो सब गाड़ी हो गई। परफेक्ट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो गाइस इस तरह से आप जो वायरिंग का पूरा अच्छी तरह से चेक करके गाइनोस करके वायर टू वायर चेक करके, अगर मल्टीमीटर है उसके उससे आप पूरा कंटिन्यूटी वायर की चेक करके ठीक कर सकते हो। तो ये स्कूटी मैंने मल्टीमीटर मतलब इसमें लगाया आधा पौना घंटा, तो मैंने आपके सामने ही ठीक किया गाइस, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो गाइस मेरे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।